हरियाणा के सूरजकुंड में दो दिवसीय चिंतन शिविर के पहले दिन गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन के साथ इस चिंतन शिविर की शुरुआत की, जिसके बाद अब प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेशों के गृह मंत्रियों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि देश में त्योहार का सीजन है, देश शांति से त्योहार मनाए, हर राज्य दूसरे राज्य से सीख ले। कानून व्यवस्था को लेकर पीएम ने कहा कि इसका सीधा संबंध राज्य के विकास से है। वहीं सूरजकुंड में हो रहे इस चिंतन शिविर में कई राज्यों के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री शामिल हुए। वहीं चिंतन शिविर में साइबर अपराध, ड्रग तस्करी, सीमा प्रबंधन, कट्टरपंथ सहित तमाम चुनौतियों पर मंथन किया गया। वहीं पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संबोधन में कहा कि आजादी का अमृतकाल हमारे सामने है। आने वाले 25 साल देश में एक अमृत पीढ़ी के निर्माण के हैं। ये अमृत पीढ़ी पंच प्राणों के संकल्पों को धारण करके निर्मित होगी। वहीं संविधान में भले कानून और व्यवस्था राज्यों का दायित्व है, लेकिन ये देश की एकता अखंडता के साथ भी उतने ही जुड़े हुए हैं। अर्थात बरतने की जरूरत नहीं है साथियों, सोशल मीडिया की शक्ति को हमें काम करके क्या हो रहा है इतने मात्र से उसको आंकना नहीं चाहिए। एक छोटी सी फेक न्यूज पूरे देश में बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है। हमें मालूम है आरक्षण की ऐसी अफवाह फैल गई, फेक न्यूज चल दिया, क्या कुछ नुकसान झेलना पड़ा था देश को। 6-8 घंटे के बाद जब पता चला तो सब शांत हो गए, लेकिन तब तक तो नुकसान बहुत हो चुका था। और इसलिए लोगों को हमें एजुकेट करते रहना पड़ेगा कि कोई भी चीज आती है उसको फॉरवर्ड करने से पहले 10 बार सोचो भाई, कोई भी चीज आती है उसको मानने से पहले जरा वेरीफाई करो। और सारे प्लेटफॉर्म पर वेरिफिकेशन की व्यवस्था होती है, आपको 1-2-10 जगह पे आके